एक नई सीख दी जाएगी उस फिल्म के बच्चों से कि जो प्यार मोहब्बत के विषय में उसमें जानकारी दी जाएगी। प्यार और मोहब्बत दोनों एक ही चीज जैसे एक तरफ से तो खराब भी है और बढ़िया भी है। रब इसलिए हम कह रहे हैं कि अगर कोई लड़की या लड़का प्रेम करता है, परिवार से भाग जाता है, तो परिवार को क्या बीतता है, वो सब आप सब गार्जियनों पर क्या बीतता है, ये सब अक्सर एक बदनामी की तरह होता है। पर हम लोग वही चीज दूसरे पर लेकर देखते हैं, अपने आप का अगर खुद देखा जाए तो सबको यही बुरा लगेगा कि एक गलत चीज है। ये तो सब भागते हैं तो सोचता है चलो भाई उसका प्रेम है उसका शादी करा दे, ठीक है मैं भी मानता हूँ प्रेम बढ़िया चीज है, शादी करा दिया जाए, मगर अगर गार्जियन के पक्ष में हो तो। सर आपके मन में कैसे आया कि मैं ये फिल्म बनाऊं ताकि परिवार जो देखे अच्छा लगे, कैसे आपके मन में आया? एक मेरे दोस्त राहुल सिंह जी हैं डायरेक्टर, इस पर मैंने विचार किया, बात किया, उन्होंने कहा सर कुछ ऐसे फिल्म बनाया जाए जो पहले की तरह, अगर ये तरह की तरह अगर फिल्म बनाना है तो हम नहीं बनाएंगे हम लोग, और नया चीज बनाएंगे कुछ पर्व से या नया चीज का फ्यूचर हुआ था। कैसा लगता है कि आप ये फिल्म देखने से कुछ जो लोग भी देखेंगे उनके मन में कुछ प्यार जैसे माँ बहन के हिसाब से कुछ बदलाव तो आना ही, ये तो सच्चाई है। जो बदनामियाँ होती है गार्जियन की बदनामियाँ होती है, अगर लड़कियाँ भाग जाती हैं तो माँ बाप क्या कहते हैं अब अच्छी तरह जानती है, और जो लोग भगा कर जैसे लड़की भी हैं उनको भी ऐसी कहेगी कि मैं ये जो गलत काम कर रहा हूँ गलत काम न करूँ। सर कब कब तक ये फिल्म आपकी रेडी हो सकती है? उम्मीद है कि वो फरवरी मार्च तक। आप कब से मतलब इससे जुड़े हुए हैं कि मतलब लगभग शुरुआत तो हम लोग बहुत पहले से किए हुए हैं कहानी वाले सब तैयार करने में, और ये मूर्त आप लोगों के सामने हो रहा है, आस पास देखते हैं आगे क्या होता है। और ये मैं फिल्म भी लिखा, मैं राइटर भी हूँ और सिंगर भी हूँ, और अब मैंने दो तीन फिल्में भी की है जिसमें मेरा मेल लीड भी है। अभी मेरी एक मूवी पर आया प्यार लगी हुई थी चिराग फिल्म प्रोडक्शन से, साजन सिनेमा बनारस में, और तमाम सालों में लगी हुई थी। तो फिर हमारे ये प्रोडक्शन ने मेरे पे भरोसा किया, और प्रोड्यूसर साहब प्रमोद शर्मा जी और विनोद यादव जी ने कहा कि भाई ऐसा करते हैं कि मैं आपको लेकर के एक फिल्म बनाता हूँ। तो मैंने कहा कि स्टोरी क्या है, उन्होंने कहा कि आप स्टोरी लिखते हैं आप स्टोरी भी लिख दीजिए। तो जैसा कि और हमारे डॉक्टर साहब डायरेक्टर साहब से मैंने संपर्क किया, इनको अपनी थीम बताई कि हम इस थीम पे काम करना चाहते हैं, आप इस पर जो कि इस फिल्म को डायरेक्ट करिए। इन्होंने कहा कि स्क्रिप्ट मांगे हमसे, मैंने स्क्रिप्ट दिया, इन्होंने पढ़ा, कहा कि बहुत अच्छी स्क्रिप्ट है, इस स्क्रिप्ट के माध्यम से समाज को एक संदेश जाएगा कि जो दिल में नफरत होती है एक दूसरे के प्रति उसको हम लोग मिटाने की कोशिश करेंगे इस फिल्म के माध्यम से। मैं समाज को ये संदेश देना चाहूँगा, जितने आज जो ये बुराइयाँ फैल जाती हैं प्यार को लेकर के, तो ये प्यार अब ऐसा मतलब समाज हो गया है कि इसको एक पॉजिटिव रूप से देखा जाए, ना कि निगेटिव रूप से देखा। तो यही संदेश मैं इस फिल्म में लेकर के आया हूँ ताकि सारे लोग अगर किसी का मन पसंद जहाँ है वहाँ शादी कर ले, उसको बता करके करें, माँ पिता के आदेशानुसार करें कि हम ये करते हैं, मतलब हमको ये पसंद है, ताकि इनके साथ मेरी पूरी लाइफ जो है कि सिक्योर होगी। तो इस उद्देश्य से मैंने ये चीज़ें लिखी है और मेरा डायरेक्ट वर्षा है। हाँ बिल्कुल अच्छा जी, नमस्ते, हम पीकू सिंह, मेरी भी दो मूवी आ चुकी है, तो मैं सेकेंड हीरोइन में रोल की हूँ, रामनगर की पैसठ। अभी बहुत सारी मेरी एल्बम आई है, भोजपुरी भी आई है, और देवी गीत सब बहुत सारी भोजपुरी। नमस्कार, मैं एसपी वर्मा, आप देख रहे हैं भोजपुरी समाचार .com। मैं जंगे मोहब्बत फिल्म में डायरेक्ट कर रहा हूँ और इसमें एक्टर से भी रोल कर रहा हूँ। तो अशोक कुमार पटेल ब्लैक हुआ, आज भोजपुरी फिल्म जंगे मोहब्बत फिल्म प्रोड्यूसिंग कार्यक्रम में सफलता की तरफ ले जाए मेरी सुनना। मैं विनोद यादव और श्रोतागण आप लोग देख रहे हैं भोजपुरी समाचार .com, तो इसमें आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि मैं एक हिंदी मूवी में मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ जिसका टाइटल कास्ट है जंगे मोहब्बत, और जो कंपनी है JKG एंटरटेनमेंट एंड CRM एंटरटेनमेंट, तो मैं CRM एंटरटेनमेंट के मैं प्रोड्यूसर हूँ। और बहुत अच्छा लग रहा है कि ये जो मूवी जो मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ, जो उसके कंसेप्ट हैं, जो उसके क्लाइमेक्स हैं, बहुत अच्छा लग रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि ये जो मेरी मूवीज है मेरा एकदम ये सक्सेस है, और 2.5 से 3 महीने में सिनेमा घर में होगी। धन्यवाद।
नमस्कार, मैं रागिनी राय और अब आप देख रहे हैं भोजपुरी समाचार .com। और दीपावली और नवरात्र की ढेर सारी शुभकामनाएं हमारे तरफ से सारे लोगों को। और मैं इस जंगी मोहब्बत फिल्म में माँ का रोल कर रही हूँ। मैं सीमा यादव, जैसा कि यहाँ पे जंगी मोहब्बत एक फिल्म का मुहूर्त है, उसमें मैं यहाँ पर उपस्थित हुई हूँ। और ये जब भी फिल्म लगे तो मेरा दिल से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसको जरूर जरूर देखें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी दें। नमस्कार, मैं गौतम कुमार जायसवाल और आप देख रहे हैं भोजपुरी समाचार .com। और इस फिल्म में जंगे मोहब्बत में मेरा इंस्पेक्टर का रोल है, जिसमें जो हीरो हीरोइन जो प्यार करते हैं हम उस फिल्म में उनका साथ दे रहे हैं। इंस्पेक्टर करो, सच्चा इंस्पेक्टर करो, ईमानदार इंस्पेक्टर का। नमस्कार, मैं धर्मेंद्र विश्वकर्मा, आप देख रहे हैं भोजपुरी समाचार .com। जो फिल्म भोजपुरी फिल्म जंगे मोहब्बत, इसमें मैं विलन का रोल कर रहा हूँ। और ये फिल्म बहुत ही अच्छी और बहुत बढ़िया बनने वाली है, आप लोग इसे बनने के बाद जरूर देखिएगा। जो कि प्यार पर निर्धारित है, जो कि नफरत भुला के सिर्फ प्यार बढ़ती है, और आप लोग इसे जरूर देखिएगा। आप लोग से मेरा गुजारिश है। नमस्कार। नमस्कार, मैं कशिश, आप देख रहे हैं भोजपुरी समाचार .com। मैं इस फिल्म जंगे मोहब्बत में एज ए एक्ट्रेस का काम कर रही हूँ। नमस्कार, हम कुमार शर्मा।